क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 8 मिलीमीटर व्हेन ए वेट ऑफ 5 केजी इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। ठीक है, इफ अदर चेंज रिमेन द सेम बट द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। है ना, तो चलिए देखें। तो मास कितना दिया है मैंने, 5 केजी, चेंज इन लेंथ कितना बता रहा है, 8 मिलीमीटर ना, और रेडियस r = r ले लेते हैं, r1 = r, और r2 कितना है, r2 जो है r2 2r, रेडियस 2 टाइम पर दे, रेडियस क्या है 2 टाइम पर दे, रेडियस इज डबल। ठीक है ना, बट द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल, तो व्हाट विल द इंक्रीज इन इट्स लेंथ, इसे पूछा जा रहा है। अदर क्वांटिटी सेम, अदर क्वांटिटी सेम मतलब मास सेम रहेगा, m1 m2 सेम रहेंगे, है ना। ठीक है, और इनिशियल लेंथ भी आपकी सेम रहेगी, m1 l2 l1 एयर मॉडल्स मटेरियल परपेंडिकुलर के हैं, ये तो आपको सेम रहेगा, है ना। चलिए अब फार्मूला लिखते हैं, तो एयर मॉडल्स का फार्मूला क्या होता है बताओ, है y = mgn / pi r / l, ये होता है ना। तो हमें देखिए किसके बीच रिलेशन लिखना है, l और रेडियस के बीच लिखना है ना, क्योंकि अदर चीज हमारा क्या है कांस्टेंट, अदर चीज क्या है कांस्टेंट, तो l और रेडियस के बीच हम रिलेशन लिख देते हैं। तो l और रेडियस को अलग कर लीजिए, इंक्रीज लेंथ और रेडियस को अलग कर लीजिए, और अदर क्वांटिटी एक साइड कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, मतलब देखिए r स्क्वायर है, l है, यहाँ पर r स्क्वायर ले लीजिए, है अदर क्वांटिटी आप इधर रख लीजिए, तो इसे पाई डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y को 5 होते अपॉन mgl डिवाइड इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड करते, तो अदर क्वांटिटी सेम है, दिस मतलब ये चीज पूरा हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, राइट साइड क्या हो गया कांस्टेंट, तो r स्क्वायर * l स्क्वायर क्या हो गया कांस्टेंट ना। अब इसे वैल्यू रख दीजिए, तो r1 स्क्वायर * l1 इक्वल टू क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर * l, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखिए, तो आपको क्या करना है, l2 फाइंड करना है, इंक्रीज लें, तो l2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l2 हो जाएगा आपका r1 / r2, r1 स्क्वायर / r2 स्क्वायर, ठीक है * l1, है ना। तो l2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 / r2 होल स्क्वायर * l1, तो r1 की वैल्यू कितना है, r1 की वैल्यू है, हां r2 की वैल्यू r, r2 की वैल्यू 2r, होल स्क्वायर * l1, l1 की वैल्यू क्या है 8 ना, तो कितना हो जाएगा 1/4 * 8, तो क्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर, कितना हो जाएगा इंक्रीज इन लेंथ 2 मिलीमीटर, व्हाट इज आंसर, सी आंसर देखो।